स्वागत है आपका सीएनसीसी टीवी न्यूज में। निर्भया के दोषियों को शुक्रवार तड़के तिहाड़ जेल में फांसी दिए जाने के बाद लंबे समय से पीड़िता को इंसाफ मिलने की राह देख रहे लोगों ने राहत की सांस ली। दिसंबर 2012 में एक मेडिकल छात्रा के साथ निर्मम तरीके से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को आखिरकार उनके किए की सजा मिल गई, जिससे समाज में जघन्य अपराध की सोच रखने वालों के मन में भी डर पैदा होगा। तिहाड़ जेल के अधिकारी ने बताया कि दोषियों ने अधिकारियों के समक्ष कोई आखिरी इच्छा जाहिर नहीं की। फांसी दिए जाने से पहले उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी। जेल की नियमावली के अनुसार अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कैदी की वसीयत सहित किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं या उसे संलग्न किया जा सकता है। शुक्रवार तड़के चारों को इनके सेल में जगाया गया, हालांकि चारों में से कोई भी सोया नहीं था। इसके बाद सुबह की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इनसे नहाने को कहा गया। इसके बाद इनके लिए चाय मंगाई गई, लेकिन किसी ने चाय नहीं पी। इसके बाद उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई और फिर सेल से बाहर लाने से पहले चारों को काला कुर्ता पजामा पहनाया गया तथा हाथ पीछे की ओर बांध भी दिए गए थे। इसके बाद चारों को पवन जल्लाद और तिहाड़ जेल के एक कर्मी ने लीवर खींचकर फांसी की सजा दी। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल CNCC TV News को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।